आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ज्ञान व्यापी मस्जिद में फवारे को शिवलिंग घोषित करने पर अड़ा हिंदू पक्षकार का वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और आए दिन आप अगर टीवी उठाकर के इन दिनों देख रहे होंगे तो सिर्फ एक ही बात डंके की चोट पर अफवाह फैला करके बताने की कोशिश की जा रही है कि वो शिवलिंग मिला है और वजू खाने के जो चारों तरफ दीवारें हैं उसे सील कर दिया गया है। शासन प्रशासन ने किस तरीके से और सर्वे की टीम ने किस तरीके से गुंडागर्दी दिखाते हुए वजू खाने को सील करवा दिया है, इसकी तस्वीरें देशी नहीं बल्कि दुनिया भर के सामने जा रही हैं। और ज्ञान व्यापी मस्जिद पर जिस तरीके से हर कदम हिंदू पक्षकार के वकीलों द्वारा उठाए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि हिंदू पक्षकार के वकीलों के बाद डंके की चोट पर गोदी मीडिया के तमाम चैनल दिखा रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्षकारों की बातों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। पर मुस्लिम पक्षकारों का भी अब बड़ा बयान सामने आ गया है, किस तरीके से हिंदू पक्षकार के वकील और मुस्लिम पक्षकार के वकील आमने सामने कोर्ट में भिड़ते हुए दिखाई दिए, ये तस्वीरें सामने आना जरूरी है। क्योंकि मुस्लिम पक्षकार के लोगों के द्वारा ये साफ शब्दों में कह दिया गया है कि वजू खाने को सील करने के लिए ना तो इंतजामिया कमेटी से कोई बात की गई और ना ही मुस्लिम पक्षकार के वकीलों को इसकी इत्तला दी गई, और हिंदू संगठन की तरफ से अपील कर दी गई कि जहां फुवारा मिला है उसके चारों तरफ की दीवारों को तोड़ा जाए। तो वहीं हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु ने साफ शब्दों में कहा कि फवारे और शिवलिंग में हम फर्क समझते हैं। ये जो गुंडागर्दी ज्ञान व्यापी पर देखने को मिल रही है, एक बार उन तस्वीरों पर नजर डाल रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्षकार के वकीलों ने कही है। आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी वजू खाना सील होने से नमाजियों और मछलियों को हो रही है दिक्कत, सरकारी वकील ने याचिका दायर कर ये मांग की है। आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी परिसर सर्वे मामले में मंगलवार को उस वक्त नया मोड़ आ गया जब जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रसाद पांडे ने वाराणसी सिविल कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर मानवीय आधार पर सीनियर डिवीजन जज रवि कुमार दिवाकर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की और अनुरोध किया कि जिला शासकीय अधिवक्ता ने शिवलिंग वाली जगह सील किए जाने के मामले में तीन बिंदुओं पर नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए जांच की मांग की है। वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद रॉय ने बताया कि शासन के वकील महेंद्र प्रताप की ओर से सिविल जज रवि दिवाकर के समक्ष एक याचिका पेश की गई, जिसमें तीन बिंदुओं पर जज का ध्यान खींचने की कोशिश की गई। नित्यानंद रॉय ने बताया कि याचिका में मांग की गई है कि जिस जगह को सील किया गया है उस जगह पर लोग नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं और वहां चारों तरफ नल लगे हैं, जगह सील होने से नमाजियों को दिक्कत होगी, लिहाजा इन नलों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की इजाजत दी जाए। इतना ही नहीं, सील किए हुए परिसर में ही शौचालय में भी सील होने की वजह से शौचालय भी बंद हो गया है, जिससे नमाजियों को दिक्कत होगी, लिहाजा इस पर भी अदालत को विचार करना चाहिए। इसके अलावा मानव निर्मित तालाब के पानी में मछलियां भी हैं, सील करने की वजह से उनके जीवन को भी खतरा होगा, जिसकी दलीलें मुस्लिम पक्षकार के वकीलों द्वारा दी गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद रॉय ने बताया कि जिला शासकीय अधिवक्ता ने मानवीय आधार पर कोर्ट से आग्रह किया है कि तीन बिंदुओं की एक नए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करते हुए जांच करवाई जाए और शौचालय व वजू खाने में लगे नलों को शिफ्ट किया जाए। साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि जहां वजू करते हैं वहां वजू खाने से कुछ दूरी पर एक हेडपंप लगा देंगे और नमाजी वहां वजू कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह को सील करने की बातें कही गई हिंदू पक्षकारों के वकीलों द्वारा।
जहां मुस्लिम पक्षकारों ने कहा कि नमाजियों को नमाज में और वजू करने में दिक्कत आ रही है और साथ ही साथ जो वजू खाना जहां है वहां जो मछलियां पलती हैं उनके जीवन पर भी बड़ा खतरा पड़ सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और जब वजू खाने की जिक्र की जा रही है तो हिंदू पक्षकार की तरफ से ये दलील दी गई कि वजू खाने के आसपास की सारी दीवारों को तोड़ा जाना चाहिए। ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग के चारों तरफ बनी दीवारों को तोड़ने की मांग को लेकर कोर्ट जाने की बात अब हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है। हिंदू पक्ष के जितेंद्र सिंह बिसेन ने बातचीत में कहा कि शिवलिंग के चारों तरफ बनी दीवार को तोड़ने के लिए कोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र देंगे। उन्होंने कहा कि दीवार टूटने से ये पता चल सकेगा कि वजू खाने से ही शिवलिंग मिला है वह कितना बड़ा है। गौरतलब है कि परिसर में स्थिति नंदी की प्रतिमा से 40 फीट दूर वजू खाने से शिवलिंग मिलने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद वकील विष्णु जैन की अर्जी पर कोर्ट ने वजू खाने को सील करने के साथ ही सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया। हालांकि शिवलिंग मिलने के दावों पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वजू खाने में जो कुछ मिला है वे फवारा है। मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने इसकी फोटो भी वायरल कर दी। इसके अलावा मुस्लिम पक्ष के वकील तौहीद की तरफ से वायरल फोटो की ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासिन ने पुष्टि की है कि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुगल काल की मस्जिद में वजू खाने के अंदर फवारा लगाए जाने की परंपरा रही है। उसी का एक पत्थर आज सर्वे में मिला जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है। तस्वीर सोशल मीडिया पर मुस्लिम पक्षकारों द्वारा वायरल की गई, जिस फवारे को शिवलिंग बताने की कोशिश हिंदू पक्षकार के वकीलों द्वारा की गई। और जब अपनी घिरती हुई गर्दन हिंदू पक्षकारों के वकील को आई तो साफ शब्दों में विष्णु जैन की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया, जहां उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम और हिंदू पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। ये मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है, जहां मुस्लिम पक्ष वजू खाने से मिले पत्थर को फवारे का हिस्सा बता कर सील हटाने की मांग कर रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष इसे प्राचीन शिवलिंग बताकर इसके चारों ओर बने घेरे को तोड़ने की याचिका दी है। मुस्लिम पक्ष के दावों पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने मंगलवार को कहा कि उन्हें फव्वारे और शिवलिंग के बीच का अंतर पता है। उन्होंने कहा अगर ये फव्वारा होता तो उसके नीचे पानी निकलने का पूरा सिस्टम होता, उसमें कुछ डंडियां डाली गई थी लेकिन वह ज्यादा अंदर तक नहीं जा सका। विष्णु जैन कहते हैं वजू खाने में मिले उस स्तंभ का आकार शिवलिंग की तरह है, वह शिवलिंग खंडित हुआ या नहीं ये भी अभी बहुत पुख्ता पर नहीं बता सकता, लेकिन मेरी और हिंदू पक्ष की नज़र में वो एक शिवलिंग है। इसके साथ ही उन्होंने कहा अभी मैं आधिकारिक और इतना कह सकता हूँ कि वहाँ पर एक शिवलिंग मिला और आगे जब न्यायालय के सामने कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें आगे बहस होगी। जहाँ विष्णु जैन जो कि बाबरी मस्जिद के दौरान भी राम मंदिर के लिए पैरवी कर रहे थे, उनको सर्वे के लिए भेजा गया और उन्होंने ही आगे आकर के कहा कि वो शिवलिंग है, शिवलिंग को हम लोग पहचानते हैं और मेरा दावा यही है कि वो शिवलिंग ही है। अभी भी दावे के आधार पर विष्णु जैन बातें कर रहे हैं, पुख्ता सबूत के साथ नहीं कह सकते कि वो शिवलिंग ही है। और कोर्ट ने आनन फानन में वजू खाने की जगह को सील कर दिया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है और सवाल यही है कि आखिरकार यह कोर्ट ने किस तरीके से ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में तेजी दिखाई, जहां देखते ही देखते मुसलमानों से उनके वजू खाने की जगह को छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।